आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए सीरीज ऑफ 7 T20I मैचेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है, द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 2/5 एंड 3/5 रेस्पेक्टिवली फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग एन मैचेज इज हाईएस्ट देन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, अपने को फाइंड करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि जो 7 मैचेज की सीरीज है, ठीक है, T20 मैचेज की सीरीज है, उनमें से वो किस किस के बीच में हो रही है, इंडिया और यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले तो इंडिया के जो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी है, ये दिया हुआ है 2/5 और इंग्लैंड की दी हुई है 3/5, यानी इसके जो चांसेज हैं हर एक मैच में वो कितने परसेंट है, इसके 40% चांस हैं और इसके इंग्लैंड के 60% चांस हैं, ठीक है। 2/5 मतलब 40% परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो। सो इंडिया के हर कोई सा भी मैच उठा लो, पहला मैच, दूसरा मैच, सब में यही फिक्स कर दिया है उन्होंने कि जो इंडिया के चांसेज हैं वो 40% ही रहेंगे और जो इंग्लैंड के चांसेज हैं वो 60% है। तो हमें यहाँ पे एक समझने की ज़रूरत है, एक पॉइंट कि ये देखिए, इफ एक एक्सपेरिमेंट में इन एन एक्सपेरिमेंट ओनली टू रिजल्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है, केवल अगर दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो विन या फिर लॉस, ठीक है, या फिर विन बोल दो या फिर सक्सेस या फिर फेल, पास या फेल, या फिर दो ही रिजल्ट अगर पॉसिबल हैं तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मान लो कोई भी इवेंट, इफ एन इवेंट ओकर्स एन टाइम्स, ठीक है, वो सेम इवेंट है, वो एन टाइम्स ओकर हो रही है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि जो मैच है वो 7 बार हो रहे हैं, ठीक है, और हर बार क्या हो रहा है कि जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है इंडिया की वो 40% है और इंग्लैंड की 60% है, ठीक है। अगर एन टाइम्स हो रहा है देन लेट मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर मेरा पी जो है ये क्या है, सक्सेस, एंड क्यू जो है वो है डिफीट या फिर फेलियर, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है और फेलियर होने की क्यू है, तो दोनों के सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है, ये कितना होगा, दो ही इवेंट हो रही हैं तो फेल होगा या पास होगा, यानी दोनों का सम कितना होगा, 1, ठीक है। तो अगर एन टाइम्स ऐसे इवेंट हो रही है तो हम उसको क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं पी प्लस क्यू की पावर एन, अगर एन टाइम्स हो रही है, और उसको बाइनोमियल से कैसे एक्सपेंड करते हैं, एन सी जीरो पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन प्लस एन सी वन पी की पावर वन और क्यू की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एन सी एन पी की पावर एन और क्यू की पावर जीरो। तो ये इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये है, जैसे अगर मैं कोई एक ये उठाता हूँ तो इसका मतलब ये, पी तो मेरा क्या है, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी या फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर इस एग्जांपल से रिलेट करें, और क्यू है मेरी फेलियर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वाली प्रोबेबिलिटी तो क्या चांसेज हैं कि जो अगर एन इवेंट है, जैसे एन की वैल्यू यहाँ पर 7 है, 7 इवेंट है, उनमें से 7 जो मैचेज हैं, उनमें से 7 के 7 मैचेज क्या है, इंडिया हार जाए, तो ये भी चांसेज हैं। तो इसका मतलब पी की पावर जीरो, पी एक भी बार नहीं आया है, और जो क्यू है, क्यू यानी फेल होने के चांसेज हैं, उस एन टाइम्स यानी 7 बार वो फेल हो गई, या फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि एन सी वन 7 में से एक बार एक चूज गया और एक बार वो क्या हो कि इंडिया जीत जाए, एंड एन माइनस वन यानी 7-6 टाइम्स इंग्लैंड जीत जाए या इंडिया हार जाए, ठीक है, 6 टाइम्स। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, टोटल इस तरह की पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे एन या फिर 7 में से ये वाली जो क्या चांसेज हैं कि 7 में से 7 की मैचेज जीत जाए और इंग्लैंड एक भी ना जीते, तो ये भी चांसेज हैं। इन सारे चांसेज जो हैं, प्रोबेबिलिटी हैं, इन सब का सम एक्चुअली में पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, तो एक्चुअली में सबका सम क्या है, 1। तो यही मेरा क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इस सब का इस्तेमाल करेंगे हम। सो बेसिकली मेरे पास हो क्या गया कि यहाँ से पी प्लस क्यू की पावर अगर एन करें, ठीक है, तो वो क्या बन गई, 2 पी की वैल्यू क्या है,
अब हम पी जो मानेंगे जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है इंडिया के विनिंग की, विनिंग कॉजेज की, तो हमने पी इसको माना इंडिया जब जीतती है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। और क्यू जब कब माना है, क्यू माना है जब इंग्लैंड जीतती है, ठीक है। सो दैट मीन्स पी प्लस क्यू यानी 3/5 की पावर कितना, 7 इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो उनमें से हमें बताना है कि विनिंग एन मैचेज, उनमें से कितने मैचेज भी जीत सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 7 के 7 जीत सकती है, एक भी नहीं जीत सकती, ठीक है। एक जीत 0, 1, 2, 3, 4, 8 केसेज हैं, ठीक है, कि एक भी ना जीते, एक जीते, दो जीते, तीन जीते, या 7-7 जीते, ऐसे 8 पॉसिबिलिटी है ना। तो उनमें से बताना है कि एन मैच जीते, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो बाइनोमियल टर्म है इसमें जो हाईएस्ट जो नंबर होगा वही मेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। सो ठीक है, तो बेसिकली अब कंसेप्ट क्या आ गया मेरा कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो हाईएस्ट टर्म जो होगा वो निकालना है एक्चुअली में, वही तो मेरी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं बाइनोमियल में, ये देखते हैं। इफ मेरा एक्स प्लस ए की पावर एन है, मान लेते हैं कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट टर्म ऐसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम टर्म यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम टर्म, इसके दो चांसेज होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टर्म के, या तो होगा पीथ टर्म, ठीक है, एंड टी पी प्लस वन टर्म। कब होगा, अब ये जब होगा यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर एन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स बाय ए प्लस वन, ये जो वैल्यू है, इफ क्या हो, अगर ये जो वैल्यू अगर इंटीजर होती है, ठीक है, तब तो चांसेज होते हैं कि ये वाला टर्म हो, ठीक है, टी पी या फिर पी प्लस वन टर्म हो, ठीक है। और अगर ये टी ऑफ क्यू प्लस वन टर्म होगा, ये कब होगा, जब एन प्लस वन अपॉन एक्स वाई ए का मॉड प्लस वन, ये क्या हो, नॉट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर अगर ये नहीं आया इंटीजर, ठीक है, तो इस केस में अगर ये इंटीजर नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटीजर आएगा तो ये पी के इक्वल आएगा, तो अगर ये इंटीजर आ गया तो या फिर पीथ टर्म होगा या फिर पी प्लस वन टर्म होगा। अगर इंटीजर नहीं आया तो यहाँ पे हमें ये जैसे मान लो 2/5 आ गया, तो इसको क्यू कॉमा क्यू प्लस वन यानी इसका जो जी आई एफ होगा एन प्लस वन अपॉन एक्स वाई ए प्लस वन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, क्यू होगी, ठीक है। तो क्यू निकल गया तो क्यू प्लस वन टर्म जो होगा वो मैक्सिमम टर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है 2/5 प्लस 3/5 की पावर 7, ठीक है, इट मीन्स सो यहाँ से जैसे ही मैंने अगर 3/5 कॉमन लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस ए लाना है ना, तो यहाँ पे तो मेरे को दो टर्म आपस में लाने होंगे, तो एक इंटीजर होगा कि पावर 7 किया तो इतने डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2/3 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ए की जो वैल्यू है ये तो मेरी 1 है, एन की वैल्यू है ये 7 है, एक्स की जो वैल्यू है ये 2/3 है, ठीक है। सो एन प्लस वन अपॉन ये निकालते हैं सबसे पहले, तो एन प्लस वन अपॉन एक्स वाई ए का मॉड प्लस वन, एन प्लस ए यानी 7 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 2/3 अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है प्लस 1, दैट मीन्स 8 अपॉन 5/3, तो ये कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 24 अपॉन 5, सॉरी यहाँ पे इनटू में मॉड एक्स भी आता है, ठीक है, तो इनटू में यानी 2/3 भी होगा। सो ये हो जाएगा इनटू में 2/3, दैट मीन्स 16/5, और इसका अगर मैं 16/5 ये इंटीजर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो क्यू की जो वैल्यू होगी ये जी आई एफ ऑफ 16/5 दैट मीन्स 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो थर्ड जो टर्म होगा यानी जो थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा ये मैक्सिमम टर्म, ठीक है, यानी जो तीसरा मैच होगा उसकी जो चांसेज होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम। तो 3 मैच जब खेलेगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग एन मैच है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।